हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और नए ब्लॉग में। आज है श्री हनुमान जन्मोत्सव, तो सबसे पहले मैं आप सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज 6 अप्रैल 2023 है और आज श्री हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे पत्थरखानी में, जो हमारे गांव द्वारी चुचेर ठेली कराला दसोली का एकदम सेंटर एरिया है पत्थरखानी, वहां पे पिछले 2 साल से मंदिर निर्माण का काम चल रहा था। तो मंदिर निर्माण का काम पूरा होने के बाद आज बजरंग बली जी की मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम, सुंदरकांड, एक विशाल भंडारा और कीर्तन भजन का कार्यक्रम रखा गया है। तो अभी मैं काफ़ी बिजी था, कल से लगातार बिजी था कार्यक्रम की तैयारी में। तो अभी हमारे गाँव द्वारी के लोग, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे आ रहे हैं, पीछे से अपने गांव द्वारी से मंदिर के लिए कलश यात्रा के साथ में, ढोल के साथ में आ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपने गांव द्वारी की आर दिखाता हूं, उसके बाद थोड़ी देर में कराला की आर आएगी, कराला की महिलाएं कलश यात्रा के साथ में आएंगे और कराला के लोग जो है ढोल दमाऊं झांझर बुकोरा के साथ में आएंगे। पहले हमारे गाँव की यहाँ पर आर आ रही है। तो मैं शुरू करता हूँ आज का ये ब्लॉग, और आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर जो भी कार्यक्रम भगवान बजरंग बली जी के दरबार में हम लोगों के द्वारा रखे गए हैं वो सारे कार्यक्रम मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल मैं अपने गांव द्वारी की आर दिखाता हूँ, कलश यात्रा दिखाता हूँ। Oh,
तो इस समय मंदिर में सारे लोग पहुंच चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, ये है बजरंग बली जी का दरबार जो कि आप सब लोगों के सहयोग से बना हुआ है। और पिछले 1.5 साल पहले हमने इस मंदिर का काम शुरू किया था और थोड़ा थोड़ा करके ये मंदिर हमारा बन के तैयार हो चुका है और आज यहाँ पे मूर्ति भी पहुँच चुकी है, आज मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम भी है। तो यहाँ पर फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे क्षेत्र के सारे लोग जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अभी पूजा पाठ की तैयारी हो रही है। यहाँ पर पूजा पाठ की तैयारी में सब पंडित जी लोग लगे हैं और ये देखिए जो महिलाएं कलश यात्रा में आए हुए थे, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप ये सारे कलश हैं फूल और सारी चीज़ों से इसको सजाकर, पहिया से सजा करके देखिए यहाँ पर, तो सब लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं और मैं आपको बजरंग बली जी के दर्शन करा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये है बजरंग बली जी की प्रतिमा, भगवान बजरंग बली जी यहाँ पर आज स्थापित होने वाले हैं, आज मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम है। तो भगवान बजरंग बली जी को आप यहां से दर्शन कर सकते हैं। और ये है मंदिर का कमरा जो मंदिर है अंदर का, और इस प्रकार का यहां पे काफ़ी बढ़िया तरीके से यह मंदिर बनके तैयार हो चुका है आप सबके सहयोग से। तो अभी यहां पे सारे द्वारी और कराला की महिलाएं आप देख सकते हैं यहां पर बैठे हैं, कीर्तन भजन का कार्यक्रम भी चल रहा है। तो थोड़ी देर में जो जो भी कार्यक्रम होगा मैं आपको दिखाते रहूँगा। और ये मंगल सिंह जी हैं जो पुजारी हैं, जाओ अंदर वो करो। और ये देखिए यहाँ पे कीर्तन भजन का कार्यक्रम चल रहा है देख सकते हैं, और मंदिर देख सकते हैं आप कुछ इस प्रकार से। आज यहाँ पे रात को कीर्तन भजन के कार्यक्रम भी होने वाले हैं, बहुत भव्य। और मैं यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ मंदिर के पीछे साइड में जहाँ पे रसोई लगी है। तो आज हमारे क्षेत्र के, इस क्षेत्र के सभी लोग यहाँ पर आने वाले हैं, सब लोगों का सहयोग यहाँ पे मिल रहा है। और ये देखिए यहाँ पर प्रधान जी हैं चुचेर के, भोपाल कुरुंगा जी और ठेली के, ओ देवंदा नमस्कार, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं। सिमगढ़ी के प्रधान जी भी यहाँ पर आए हैं, उत्तम सिंह राठौर जी ये देखिए यहाँ पर हैं, हेलो प्रधान जी, ये देखिए सिमगढ़ी के प्रधान जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर पधारने के लिए। और यहाँ पर चुचेर से भी लोग आए हैं, ठेली से और देखिए कराला से, सब बुजुर्ग लोग भी हैं यहाँ पर, युवा भी हैं, महिलाएँ भी हैं। और सामने लगी है रसोई यहाँ, तो अभी थोड़ी देर में मैं रसोई का भी आपको कार्यक्रम दिखाऊँगा। तो ये देखिए ये है रमणीक स्थल पत्थरखानी। तो इस समय यहाँ पर मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और कलश स्थापना भी हो चुकी है, पंचामृत भी हो चुका है और अब यहाँ पर हवन यज्ञ की तैयारी चल रही है। तो अभी मैं हूँ मंदिर के अंदर, ये आप देख सकते हैं भगवान बजरंग बली जी यहाँ पर स्थापित हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं भगवान बजरंग बली जी के दरबार में बहुत सारे लोगों ने चढ़ावा, यहाँ पे फल फूल दिया धूप बत्ती और भेंट इत्यादि चढ़ा रखी है। और बजरंग बली जी की मूर्ति आप देख सकते हैं बहुत भव्य बहुत सुंदर लग रही है, सब लोगों को काफ़ी अच्छी लग रही है। और मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये मंदिर है पूरा और सामने जो है मुख्य गेट है और यहाँ पर इस समय बजरंग बली जी को टीका लग रहा है। देखिए तो ये बजरंग बली जी का टीका यहाँ पर अभी लगाया जा रहा है और पूरा कार्यक्रम यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से संपन्न हो रहा है धीरे धीरे, ये आप देख सकते हैं। और मैं आप सब लोगों को, जितने भी लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया है, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। Oh, 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 oh
समय सारा जो कार्यक्रम था मूर्ति स्थापना का और उसके अलावा कलश स्थापना और सुंदरकांड हवन यज्ञ कन्या पूजन सब कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो चुका है और अभी यहाँ पर भंडारा चल रहा है। जितने भी भक्तगण यहाँ पर आए हुए हैं दूर दूर से सब लोगों को यहाँ पर भंडारे में भोजन कराया जा रहा है और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भगवान बजरंग बली जी का दरबार जहाँ पे हनुमान जी के भजन यहाँ पर अभी बज रहे हैं। तो बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा है और काफ़ी संख्या लगभग 400 से 500 लोगों की संख्या है यहाँ पर और 400 से 500 लोग यहाँ पर आगे भंडारे में भोजन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं। एक बार मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ किस प्रकार क्या क्या यहाँ पे भोजन बना हुआ है और कितने लोग यहाँ पर भंडारे में भोजन कर रहे हैं। तो ये देखे अभी कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ी देर में खाएंगे। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ, देखो ये है मंदिर और यहाँ से खाना सब लोग हमारे जो कमेटी के लोग हैं जो आसपास के जो युवा साथी हैं हमारे कमेटी से जुड़े हुए सब लोग यहाँ पर भोजन वितरित कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ भी भोजन आगे तक बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये देखिए। तो जो भोजन है उसमें पूरी है, हलवा है और उसके अलावा खीर है, रायता है, बहुत कुछ बना हुआ है। और प्रसादी में चना और गुड़ जो कि भगवान बजरंग बली जी का प्रसाद माना जाता है वो वितरित किया जा रहा है, मिठाई वितरित की जा रही है। और सब लोग बड़े प्यार से यहाँ पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बहुत बढ़िया तरीके से जो है भोजन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वहाँ भी है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर है हमारी रसोई जहाँ पे भोजन बना हुआ है आज का भंडारे का। और ये देखिए हमारे गांव के आसपास के सारे के लोग यहाँ पर जो रसोई में सहयोग कर रहे हैं और अभी सब लोग यहाँ पर देखे भंडारे में प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अभी दूसरा शिफ्ट यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, अभी एक शिफ्ट में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भोजन कर लिया है। तो अभी भी यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि भोजन करेंगे, भगवान बजरंग बली जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे, ये देखिए। तो फाइनली हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर जो आज हमने यहाँ पे मूर्ति स्थापना, कलश स्थापना और उसके साथ साथ विशाल भंडारे का, सुंदरकांड का जो आयोजन किया था वो आयोजन हमारा पूरा हो चुका है। और इस समय सारे लोग खाना खाने के बाद, भंडारे में प्रसादी ग्रहण करने के बाद घर को जा चुके हैं और अभी मैं बैठा हूँ अपने बजरंग बली जी के चरणों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान बजरंग बली जी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो चुकी है और हमारे जो इस मंदिर के पुजारी रहने वाले हैं, धामी रहने वाले हैं, मंगल सिंह खोपड़ा वाले यहाँ पर हैं और हमारे प्रधान जी कराला के प्रधान जी हैं, गुमान सिंह जी भी यहाँ पर हैं और एक हमारे हयात सिंह जी हैं द्वारे के, झांझर बजा रहे थे आज, बढ़िया सहयोग दिया इन लोगों ने। तो बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम रहा है और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस मंदिर के निर्माण में अपना सहयोग दिया है, चाहे आपने तन से दिया, मन से दिया, धन से दिया। बहुत बढ़िया ये मंदिर जो बना है आप लोगों के सहयोग से ही बना है और आज का जो कार्यक्रम रहा बहुत भव्य रहा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने हनुमान मंदिर निर्माण समिति के सारे पदाधिकारियों और सदस्यों को, अपने सभी जन प्रतिनिधियों को, सभी आसपास के सभी ग्राम प्रधानों को और साथ ही साथ जो भी लोग हमारे इस कमेटी से जुड़े हुए हैं, जो हमारे गाँव के लोग हैं, गाँव आसपास के गाँव के लोग हैं और जो हनुमान भक्त हैं जिन्होंने एक एक रुपया जमा करके इस मंदिर का निर्माण करने में सहयोग प्रदान किया, आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं स्पेशली यहाँ पर भगवान बजरंग बली जी से आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हे बजरंग बली, आप इन तमाम जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी भक्तों के घर में खुशियाँ लाएँ, सबका जीवन आप मंगलमय करें और सब लोग सुखी रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पर एंड। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, द्वारी और कराला से आर आई और कलश यात्रा भी थी, ठेली चुचेर के लोग भी आए, दसौली से भी आए, उसके अलावा बाहर के लोग भी बहुत ज़्यादा आए। तो जो भी लोग यहाँ पर आए जिन्होंने भी आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में, बाकी यहाँ पे भविष्य में जो भी काम होते रहेंगे हम उसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अभी रात को यहाँ पे कीर्तन मंडली है, रात का जो कीर्तन का प्रोग्राम होगा उसको भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बजरंग बली की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।